एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू सैनी एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक इक्वेशन लेते हैं और उस इक्वेशन में से एक्स की या वाई की भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और उससे हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो इसमें हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1 एंड नेक्स्ट को मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब हम इक्वेशन 1 लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यूज करते हुए लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसमें अगर एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, 14। वाई इधर प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 14 माइनस वाई। इसमें अब एक्स की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। अब ये जो वैल्यू है एक्स की वो हमें इक्वेशन 1 से मिली है, तो इसकी जो वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब एक्स जहां पर है उसकी प्लेस पे हम 14 माइनस वाई लिखेंगे। 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो माइनस वाई अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन बड़े का आता है तो माइनस 2y आ जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आगे सॉल्व करेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 14 इधर प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 14 बन जाएगा ये। सो देखते हैं हम क्या आएगा, माइनस 2y। अब 4 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि 14 बड़ा है और बड़े का साइन माइनस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस 10 है। अभी आगे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2। माइनस से माइनस कट हुआ, 2 के टेबल से 10 कट हुआ 5 पे। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकली है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालेंगे। सो x की वैल्यू, x की इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, x की क्या वैल्यू निकालती, 14 माइनस वाई, हम वही लिखेंगे। अब इसमें y की प्लेस पे हम 5 लिखेंगे क्योंकि y की वैल्यू 5 है। 14 माइनस 5, और 14 में से 5 गए तो क्या आएगा, 9 आएगा। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई है। अब सेकेंड पार्ट में हमें दो इक्वेशन दी हुई, इसको हमने ले दिया इक्वेशन 1 और इसको मार्क कर दिया हमने इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब इसमें मान लो हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा, 3। टी इधर माइनस में इधर अगर प्लस हो जाएगा 3 प्लस टी। अब 3 प्लस टी जो एक्स की वैल्यू है वो हम वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हमें लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। सो एस क्या है, एस माइनस एस बाय 3 है तो एस की प्लेस पे हम 3 प्लस टी लिखेंगे। 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कभी भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं फ्रैक्शन में और उनको प्लस या माइनस करना होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। अब 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 6। अब 6 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 प्लस 2t। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। 3 मल्टीप्लाई बाय टी इज 3t इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो 6 इधर डिवाइड में इधर अगर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यानी 6 प्लस 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा, 5t बन जाएगा। 5t इज इक्वल टू 36। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम, 5t इज इक्वल टू 36। अब यहां पे देखो 6 प्लस में है और इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 बनेगा। टी इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज 30, और 5 मल्टीप्लाई में थे इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 5। सो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। अब हमारी टी वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। सो अब ये टी की वैल्यू हम एस की वैल्यूज में पुट करेंगे। एस की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, 3 प्लस टी,
ठीक है। अब यहां पे टी की प्लेस पे हम सिक्स लिखेंगे, सो थ्री प्लस सिक्स, थ्री में सिक्स प्लस करेंगे तो एस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, नाइन आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमने नाम रख दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट है हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। अब देखो इसमें हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई अकेला है, तो थ्री एक्स, थ्री इधर प्लस में धागा के जगह माइनस थ्री, और वाई को हम उस साइड ले जाएंगे क्योंकि ये वाई माइनस में इसकी पॉजिटिव वैल्यू, सो वाई की वैल्यू क्योंकि थ्री एक्स माइनस थ्री जो इक्वेशन वन से निकली है, सो अब ये वैल्यू हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट करेंगे हम, इक्वेशन टू हमारी नाइन एक्स माइनस थ्री, वाई के प्लेस पे हम लिखेंगे थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन। आगे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा नाइन एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज नाइन, सो ये भी बन जाएगा नाइन एक्स। अब देखो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो साइन प्लस का हो जाता है, सो प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन। अब यहाँ पे देखो नाइन एक्स और नाइन एक्स एक प्लस में और एक माइनस में है, सो ये दोनों कट हो जाएंगे। अभी वैल्यू क्या आ गई, नाइन इज इक्वल टू नाइन, सो वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू अब तो कुछ आ ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू भी नहीं आई है, तो इट मीन्स वाई की भी नहीं निकल पाएगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट वाई एंड एक्स हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज, कि इसकी रियल वैल्यूज बहुत सारी होंगी क्योंकि देखो यहाँ पे कोई नंबर आ ही नहीं पाया है, ठीक है। तो इसका मतलब बोलेंगे कि y एंड x हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज, कि इनकी बहुत सारी रियल वैल्यूज हो सकती है क्योंकि बिकॉज क्योंकि y की वैल्यू क्या हमने निकाली, 3x माइनस थ्री, सो x की प्लेस पे हम कोई भी नंबर पुट करेंगे, सो y की कोई भी वैल्यू निकल सकती है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसकी बहुत सारी इनफाइनाइट रियल वैल्यूज निकल सकती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एग्जैक्ट वैल्यू हमारी नहीं निकल पाई है, और हमने क्यों बोला है क्योंकि इसकी इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगी। अब देखो हमारी एक सिचुएशन थी जो हमने पहले एक्सरसाइज में किया, दैट ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू अगर सी वन सी टू, अगर ये इक्वल हो तो ये सिचुएशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, ठीक है, कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो, इसकी कोइंसिडेंट लाइन ड्रॉ होती है कि एक ही लाइन पे सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, थ्री बाय नाइन, इसको कट करेंगे तो वन बाय थ्री बनेगा, इज इक्वल टू अगर इसको करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस वन बाय माइनस थ्री, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वन बाय थ्री बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो थ्री बाय नाइन है, थ्री बाय नाइन को कट करेंगे तो ये भी वन बाय थ्री बन जाएगा, तो ये यहाँ पे देखो वन बाय थ्री और वन बाय थ्री, ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू सी वन सी टू, ये वाली सिचुएशन बनती है जिसमें इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी इन इक्वेशन वन में भी एंड इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग भी, इसलिए हम बोलेंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। अब फोर्थ पार्ट है हमारा, हमें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू गिवन है। अब सबसे पहले हम इक्वेशन वन लेंगे, हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x को एक साइड रखो, बाकी सब नंबर्स को उस साइड लेकर जाएंगे, देखो 1.3, अब ये प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा, सो माइनस 0.3y, 0.2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। हम अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, सो 0.4 और एक्स की प्लेस पे हम लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अभी देखो यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है, अभी देखो 2 से अगर 4 को कट करेंगे तो ये 2 पे कट होगा और पॉइंट भी नहीं है क्योंकि इसमें भी 1 डेसिमल और इसमें भी सेम डेसिमल है, सो डायरेक्ट 2 आ जाएगा। अब 2 से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से अगर हम 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.6, माइनस 2 से 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.6 वाई प्लस 0.5
y इज इक्वल टू 2.3। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, y जिनका वेरिएबल सेम है इसको साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन बड़े वाले नंबर का आता है तो साइन माइनस का आया। अब देखो 2.6 इधर प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 2.3 माइनस 2.6। आगे सॉल्व करेंगे अब हम इसे, यह आ जाएगा 0.1y इज इक्वल टू 2.3 में से 2.6 माइनस हुए तो क्या आ जाएगा 0.3y इज इक्वल टू 0.1 इधर माइनस में है मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा माइनस 0.3 बाय माइनस 0.1। जीरो से जीरो कट हुआ, अब डेसिमल से वन प्लेस डेसिमल है, डेसिमल गया सो वाई की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई है। ठीक है, अब जो वाई की वैल्यू आई है वो हम एक्स की वैल्यू में पुट करेंगे और हम एक्स की वैल्यू ऑप्टेन होगी। सो एक्स इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, वाई की प्लेस पे हम लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय 0.2। एक्स इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2। अब 1.3 में से हम 0.9 को माइनस करेंगे सो आएगा 0.4, 0.4 बाय 0.2। अब देखो दोनों पे सेम प्लेस पे डेसिमल है तो डायरेक्ट 2 से 4 कट हो जाएगा सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दी हुई है तो हम इक्वेशन 1 लेंगे सबसे पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू अब देखो माइनस प्लस रूट 3y, इधर प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सो माइनस रूट 3y, 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड अंडर रूट 2। ठीक है, ये अब एक्स की वैल्यू निकल गई। अब जो एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली है वो वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारी रूट 3 एक्स, एक्स की प्लेस पे हम ये वैल्यू लिखेंगे माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अंडर रूट 3 से माइनस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होता है तो रूट कट हट जाता है हमारा, सो ये क्या बन जाएगा माइनस 3 बाय अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो ये फ्रैक्शन है और ये एक होल नंबर है, सो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा अंडर रूट 2 का, यहाँ पे हम 1 मानेंगे उसका, सो ये पूरी टर्म बन जाएगी अंडर रूट 2, ये बन जाएगा माइनस 3y माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा अंडर रूट 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 इज ये, सो 4 बन जाएगा सो माइनस 4y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। अब माइनस 3y एंड माइनस 4y इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो आ जाएगा 7, साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर है 4 तो 4 के आगे माइनस का साइन है सो आ जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 बाय, अब 7 इधर के साथ मल्टीप्लाई में है y के साथ, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, सो y की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब जो वैल्यू हमारी y की आई है वो हम x की वैल्यू में पुट करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, सो x की वैल्यू थी हमारी माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब जहां पर y है वहां पे हम 0 लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 3 y की प्लेस पे हम लिखेंगे 0 अंडर रूट 2। अब 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 बन जाती है, इट मीन्स हमारी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। सिक्स पार्ट में हमारे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हमने मार्क कर दिया, अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लेंगे हम और इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम x को एक साइड रखेंगे बाकी सब नंबर्स को दूसरी साइड। यहाँ पे है माइनस 2, अब देखो यहाँ पे है प्लस माइनस 5y बाय 3, अब इसको यहाँ पे प्लस में लेकर जाएंगे 5y बाय 3। अब यहाँ पे देखो 2 डिवाइड में है तो इधर आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 3 मल्टीप्लाई में 3 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करें, सो सबसे पहले हमें अंदर जो हमारी टर्म है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, इसके नीचे हम मानेंगे 1, 3 डिवाइड बाय 1 इज 3,
थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से तो हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस फाइव वाई ब्रैकेट टू बाय थ्री। तो अब थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सो ये बन जाएगा हमारा नाइन, और टू को हम न्यूमरेटर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये बन जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई। सो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अब जो हमारी एक्स की वैल्यू इक्वेशन वन से आई है वो वैल्यू हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे। इक्वेशन टू हमारी एक्स बाय थ्री, सो वन बाय थ्री हम इसको लिख सकते हैं, और एक्स की प्लेस पे हम सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट करनी है ना हमें। सो इक्वेशन वन में एक्स बाय थ्री को हमने वन बाय थ्री रखा, और एक्स की प्लेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे जो हमने निकाली है। सो आ जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाय नाइन प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू थर्टीन बाय सिक्स। अब देखो वन बाय थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ट्वेंटी सेवन, बाकी वन से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, ये एज इट इज आ जाएगी माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू थर्टीन बाय सिक्स। अब देखो ट्वेंटी सेवन और टू हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, सो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ट्वेंटी सेवन एंड टू का अगर हम एलसीएम लेंगे सो वो आएगा हमारा फिफ्टी फोर। सो फिफ्टी फोर को अब हम डिवाइड करेंगे ट्वेंटी सेवन से, फिफ्टी फोर को ट्वेंटी सेवन से डिवाइड किया तो आएगा टू, टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस ट्वेल्व इज माइनस ट्वेंटी फोर, टू मल्टीप्लाई बाय टेन इज ट्वेंटी, सो ये जगह ट्वेंटी वाई प्लस, अब फिफ्टी फोर को हम टू से डिवाइड करेंगे सो आएगा हमारा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाय वन इज ट्वेंटी सेवन, ये आ जाएगा ट्वेंटी सेवन वाई इज इक्वल टू थर्टीन बाय सिक्स। अब हम ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, आ जाएगी हमारी माइनस ट्वेंटी फोर एज इट इज प्लस ट्वेंटी वाई प्लस ट्वेंटी सेवन, इनको प्लस करेंगे सो आएगा हमारा फोर्टी सेवन वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा थर्टीन बाय सिक्स। अब देखो यहाँ फिफ्टी फोर डिवाइड में था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये सिक्स से कट होगा नाइन पे, बाकी हम ये टर्म एज इट इज लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्टी सेवन वाई। अब देखो थर्टीन को अब हम नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा हमारा वन वन सेवन, और यहाँ पे देखो ट्वेंटी फोर माइनस में है तो इधर आकर ट्वेंटी फोर प्लस हो जाएगा सो आ जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर, वन वन सेवन में अब हम ट्वेंटी फोर प्लस करेंगे सो क्या आएगा हमारा वन फोर्टी वन आएगा। सो वाई की वैल्यू क्या होगी, वन फोर्टी वन डिवाइडेड बाय फोर्टी सेवन मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय फोर्टी सेवन, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सो वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी थ्री, सो वाई की वैल्यू हमारी थ्री आ गई है। सो अब ये वाई की वैल्यू हम इक्वेशन जो हमने जहां पे हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी वहां पे पुट करेंगे। सो एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, माइनस ट्वेल्व प्लस टेन बाय थी, सो टेन लिखेंगे हम, वाई की प्लेस पे हम लिख देंगे थ्री डिवाइडेड बाय नाइन। अब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस थर्टी डिवाइड बाय नाइन, अब माइनस ट्वेल्व में प्लस थर्टी, अब देखो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो थर्टी में से ट्वेल्व गए ये आ जाएगा हमारा एटीन, अब प्लस का आएगा क्योंकि थर्टी प्लस का है सो एटीन डिवाइडेड बाय नाइन, सो एटीन को अगर नाइन से डिवाइड करेंगे सो आएगी टू, इट मीन्स हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू। इसी टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो से कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।